परियों, आप सबने मारे लाल को पाल पोस कर जैसे बड़ा किया है उसके लिए मैं थारा धन्यवाद करती हूँ। और मैं यो चाहूँ कि जैसे हमारे गांव की और औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा बेटा भी वैसे ही हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं तो साफ साफ बोलूं कि मन ने मारे लाल के साथ कोई स्पेशल शक्ति ना चाहिए। आप मारे पे कृपा करो और मारा सीधा साधा बेटा मन ने वापस कर दो। लेकिन बालवीर अपनी शक्तियों का प्रयोग बच्चों की रक्षा के लिए करते हैं, और अगर बालवीर के पास शक्तियाँ रही नहीं तो वो बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? रानी परी बिल्कुल सही कह रही है, और बिना शक्तियों के बालवीर स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। जब यो साधारण सा बालक बन के रहेगा तो कोई इसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। यो सारा झंझट इसके हीरो बनने के चक्कर में है। ना यो हीरो होगा और ना ही इस पे कोई खतरा आएगा। रानी परी, ये तो वही बातें कर रही है जो महाविनाश ने कर रही थी, और आप तो जानती हैं कि महाविनाश ने की बातें सुनकर बालवीर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। यो मुसीबत में इसलिए फंसा क्योंकि यो बालवीर था, बच्चों को बचाने वाला महान बालवीर। अगर यो मारा साधारण सा बेटा होता ना तो इसके ऊपर कोई मुसीबत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, आप अपनी जगह सही है, लेकिन जो बच्चे मुसीबत में फंसे होते हैं वो सबसे पहले मुझे ही याद करते हैं, और उनके बुलाने पे मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी मदद कौन करेगा? पर बेटा, उनकी जान बचाने के लिए थारी अपनी जान मुश्किल में पड़ जाती है। और देख, मारा इतना बड़ा कलेजा ना है कि मैं तने उनके खातिर मुसीबत में पड़ा हुआ देख सकूं। परियों, मैं थारे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसकी सब शक्तियाँ वापस ले लो। नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हम बालवीर को दोबारा मुसीबत में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आप सब हमारी बात नहीं समझ सकती तो जान दो, पर मारा बेटा मारी बात जरूर समझेगा। बेटा, तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद तू किसी पे हाथ नहीं उठाएगा और ना ही अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मां, क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ हूं मैं उसकी, उसका भला बुरा अच्छी तरह से जानू हूं। मन्ने मत सिखाओ कि मन्ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल बेटा, तुम्हारे साथ चल, एक नई जिंदगी थारा इंतजार कर रही है। चल बालवीर, रुकिए, चाहिए सुनिए। रानी परी, रोकिए उसे। ओके फाइन। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले पार्टिसिपेंट का म्यूजिक।
जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, एबीपी विद्या मंदिर फैशन शो कॉम्पिटिशन ये रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो एबीपी विद्या मंदिर फैशन शो कॉम्पिटिशन का विनर है कि हमें पता चला है इन तीनों बच्चों ने मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी हिम्मत निहारी और तीनों बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे अपनी ड्रेस बनाई। वेरी गुड, बधाई हो आप सबको। सर मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। दोस्तों ये अवार्ड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके पीछे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बालवीर की सीख का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें सिखाया था कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू। अरे बल्लू की माँ के इतनी बावरी हो रही है तू है? बल्लू के मिलने की मने भी उतनी ही खुशी है जितनी तारे को है। पर बल्लू को अपने साथ गांव ले जाना मने सही ना लागे है। थे अपना ख्याल अपने पास ही रखो जी। मैं अपने लाल को अब और मुसीबत में को नहीं डाल सकती। थे जाओ, जाके रेल का टिकट पता करके आओ, बाकी का सब मैं देख लूंगी। अरे रहा है बेटा। अरे बेटा ये घर हमें बोरा साहब ने कुछ दिनों के लिए ही दिया है, बस फिर हम अपने गांव चले जाएंगे। मने पता है कि तू क्या सोच रहा होगा। तू यही सोच रहा है ना कि तन्ने गांव में जाके कैसा लगेगा, थारा मन लगेगा कि नहीं। तो बेटा मैं तन्ने एक बात बोलना चाहूंगी कि यो थारी माँ तन्ने इतना प्यार देगी कि तू सब कुछ भूल जावेगा। बेटा इतने सालों का प्यार बचा के रखा है, सब तुझ पे ही तो खर्च करना है। मारा लाल बेटा, कट्ठे जा रहा है बेटा? माँ वो मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। ठीक है, पर मारी कसम याद रखना बेटा, ना तो किसी पे हाथ उठाना और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है? हाँ।
बहुत मजा आया है ना। और रोहित और चिंटू को देखा था कितना वो लोग स्टेज पे आकर मस्ती कर रहे थे, उनके तो आते ही पता चल गया था कि उन्हें तो प्राइज मिलेगा ही नहीं। लेकिन मानव, वो चिंटू ने बड़े अजीब से कपड़े पहने थे, बेल्ट यहाँ नहीं यहाँ पहना था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो कल तो बहुत मजा आया था। हाँ, कल मजा तो आया लेकिन और मजा आता अगर बल्लू भी हमारे साथ होता। हाँ, बल्लू फैशन शो को मिस कर रहा होगा और हम उसे मिस कर रहे हैं। हाँ मानो, मैं मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। शायद आज के बाद हम कभी फिर से ना मिल पाए। लेकिन ये बल्लू भी ना हमेशा एकदम गलत टाइम पे अपने चाचा के पास चला जाता। क्या कर सकते हैं मानो। चल चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होगी। हाँ चल। अरे तेरा बैग कहाँ गया? तेरा बैग किसने ले लिया? यहाँ है तुम्हारा बैग। मोटू मेरा बैग देख, वरना मैं तुझे। नो, वरना क्या? बिना बैग के घर पे चला जाऊंगा। गुड बॉय। देख मोटू, मानव के बैग देख वरना पीट दूंगी। ओ बॉस, ये तो एक चींटी हाथी को मारेगी। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है एक सुई पहाड़ को तोड़ना चाहती है। हाँ, तो सुई अब पहाड़ को बाद में गिराना, पहले पहाड़ से अब बैग ले लो, है ना? बैग देना। ले ले, अरे ले। मोटू दे। मानव, उनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर हमारी कसम याद रखना बेटा, ना तो किसी पे हाथ उठाना और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। दिदियो, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत घमंड है ना? अब देखना, मैं तुम्हारी इस होमवर्क के नोटबुक की कैसे चिंदी चिंदी करता हूँ। बस मोंटू, अब तो हद पार कर चुका है, अब मुझे बालवीर को बुलाना पड़ेगा। बालवीर! अब अबे महर, तुम्हें बालवीर जी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हम लोग दोस्त है ना। मोंटू, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, समझा? बालवीर, 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 बालवीर। इतियो, तुम्हारा बालवीर तो आया ही नहीं। हाँ बस, और अब पिटने से भी बच गए। हाँ सॉरी सॉरी। दिदियो, लगता है तुम्हारी आवाज खराब हो गई है, या तो बालवीर के कान, पर हाँ दोनों में से एक चीज जरूर खराब हुई है। बॉस, ज्यादा हवा में मत आओ, आप मजाक कर रहे हो और बालवीर जी कब आएंगे पता भी नहीं चलेगा, फिर आपका क्या हाल होगा सोच लो बॉस। दिदियो, देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हारी होमवर्क की नोटबुक लेके जा रहा हूँ, और ये नोटबुक मैं तुम्हें दूंगा नहीं। और कल जब तुम होमवर्क की नोटबुक क्लास में लेके नहीं जाओगे और सर तुम्हें डांटेंगे, तब हमें बहुत मजा आएगा, है ना? ले। बालवीर, ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मुझे माफ करना बच्चों, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, माफ करना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।